Thank you, ma'am, for letting me speak on the much awaited and a historical tax reform that our country is ever going to see through goods and services tax bills 2017. Ma'am, at the outset, I would congratulate the Honorable Finance Minister for making GST possible. Ma'am, I वित्त मंत्री जी को जीएसटी पॉसिबल करने के लिए अभिनंदन इसलिए दे रही हूँ, बधाइयाँ इसलिए दे रही हूँ कि हम सुबह से ऑपोजिशन बेंचेस की ये जो चर्चा में उन्होंने अपनी बात रखी है उसे सुन रहे हैं। और मैं एक ऑब्जर्वेशन यहाँ आपके माध्यम से सदन में रखूंगी, ऑपोजिशन बेंचेस में जब उन्होंने कंसर्न व्यक्त की, वो कंसर्न भी वो एक सुर में वो कंसर्न भी व्यक्त नहीं कर पाए हैं। किसी सदस्य ने बोला कि यहाँ पे राज्यों के साथ अन्याय हुआ है, राज्यों की कोई बात मान्य रखी नहीं गई है काउंसिल में। किसी सदस्यों ने बोला कि राज्यों को बहुत ज़्यादा पावर दी गई है और ये पावर भविष्य में राज्य किस तरह से उसको यूज़ करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, वो एक बहुत बड़ा प्रश्न है। मैम, ये उनकी अलग अलग बात जो ऑपोजिशन बेंचेस से आती है, वही कहीं ये बात प्रस्तापित करती है कि हमारे वित्त मंत्री जी ने एक बहुत बैलेंस्ड अप्रोच के साथ ये जीएसटी काउंसिल और उसके माध्यम से इस बिल को पूरा सार्थक किया है। सबसे पहली बात मैम, भूतकाल में हमने देखा और यहाँ से भी ऑपोजिशन बेंचेस से भी ये बात आई कि हमें बहुत सारी स्पीड ब्रेकर्स आए हैं, हमें बहुत सारी अवरोध का सामना करना पड़ा। भूतकाल में हमने भी इस बिल को पारित करने की कोशिश की थी। मैं यहाँ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आपके माध्यम से अभिनंदित करूंगी कि इस सरकार ने और हमारे माननीय वित्त मंत्री ने इस बिल को पारित करने के लिए एक कदम आगे आके, जो भूतकाल में हमने देखा है कि केंद्र सरकार अपनी टैक्सेशन टर्फ पे या अपने टर्फ पे कभी राज्यों का किसी भी प्रकार से अधिकार नहीं देती थी, पर इस बार इस बिल को पारित करने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा से चलती है और विचारधारा है कि सबसे आगे देश है, ना दल उसमें प्राधान्य रखता है, ना कोई व्यक्ति या परिवार उसमें प्राधान्य रखता है। जब दल की बात आए तो हमें कितना भी आगे बढ़ना पड़े, हमारे टर्फ में अगर किसी भी राज्य को आगे आने की हम अनुमति दे तो वो भी करके हमें इस देश के हित के लिए इस बिल को पारित करना चाहिए। और वही हमारे वित्त मंत्री जी ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के नीचे ये बिल को पारित किया है। तो आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से, आई कंग्रेचुलेट द पॉलिटिकल मैग्नानिमिटी एंड मेगासिटी ऑफ आर ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, जिन्होंने बहुत बड़ा मन करके उन्होंने आज सुबह जब अपना रिप्लाई वो खुद सदन में बिल इंट्रोड्यूस कर रहे थे तब दे रहे थे, बात कर रहे थे, तो इंट्रोडक्शन में भी उन्होंने ये बात की है कि पहली बार हमारे इतिहास में ऐसी काउंसिल का गठन हुआ है जिस काउंसिल में इक्वल राइट्स केंद्र और राज्यों को दिए गए हैं। राज्य कहीं केंद्र के अगर अधिकार में आना चाहे तो उसको उसका नुकसान ना करके केंद्र ने ये बात उनको ये अनुमति दी है। वो एक ऐतिहासिक और एक फेडरल काउंसिल इन ट्रू सेंस इम्प्लीमेंट इस सरकार ने किया है। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, हमने सिर्फ बात नहीं की पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को और स्टेट्स को एम्पावर करना, क्योंकि जब स्टेट्स एम्पावर्ड होंगे तभी एक समतोल विकास समग्र देश का हो पाएगा। अगर हम किसी राज्यों को एम्पावर ना करें और सिर्फ केंद्र के माध्यम से ही कोशिश करें तो ये बात हमने भूतकाल में भी देखी है कि उससे कभी किसी राज्यों की और एक देश का एक समतोल विकास अशक्य है। तो माननीय वित्त मंत्री जी ने जो सुबह बात बोली कि हमने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, एक फेडरल काउंसिल का गठन किया है, वो बात भी यहाँ प्रस्तापित होती है। मैम, मैं आपके माध्यम से अगर हम हमारे देश का नक्शा देखें तो भारत का जो लेफ्ट भाग है वो बहुत ही प्रगति करता हुआ डेवलप्ड एक हमारा पूरा क्षेत्र है, द वेस्टर्न द लेफ्ट पार्ट ऑफ आर कंट्री, जबकि राइट साइड जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट रीजन आता है मैम, वो कहीं इस डेवलपमेंट से वंचित रहा है। तो कहीं हमारी पॉलिसीज ऐसी रही है जो एक समतोल विकास से हमारे देश को हमेशा रोकती आई है, कहीं ऐसा हुआ है कि किसी राज्यों को ज़्यादा मिला है, किसी राज्यों को कम मिला है, तो वो हैव और हैव नॉट्स का जो गैप है
जहां आज भी ऑपोजिशन बेंच से एक सदस्य ने उसकी भी बात की, वो हैव और हैव नॉट्स का कहीं बैलेंस लाने के लिए भी जीएसटी एक बहुत ही मजबूत कदम, एक मजबूत नींव उस दिशा में है। हमारे बजट के माध्यम से, भूतकाल की हमारी पॉलिसीज के माध्यम से कहीं हमने एक रोड मैप तो बहुत अच्छा चॉकआउट किया है, पर जीएसटी उसमें जो है वो कहीं सोने में सुगंध जैसा काम करेगी। और जीएसटी के माध्यम से मैम सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस एक जीएसटी के अम्ब्रेला के अंडर आएंगे, जिसके माध्यम से आने वाले दिनों में जो एसएससीज हैं उनको अलग अलग विभाग में ना जाके मात्र एक ही डिपार्टमेंट के साथ डील करके एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और ये सारी जो सूत्र हम लेके आए हैं, सारी योजनाएं जो लेके आए हैं, सारी स्कीम्स जो हम लेके आए हैं, वो मात्र कागजी स्कीम्स भूतकाल की तरह नहीं है। बस उसको सार्थक करने के लिए, उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए हम सारे कदम उठा रहे हैं, और जीएसटी मैं मानती हूँ मैडम उसमें एक बहुत मजबूत और ठोस कदम उस दिशा में है, जिसके माध्यम से एक सिंगल विंडो सिस्टम, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सब कुछ सार्थक होगा। जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं मैम, वो हमेशा एक फरियाद करते रहे हैं कि हम जो विदेशी एंड प्रोडक्ट्स है, मलेशिया है, चाइना है, उसके साथ हम कंपीट नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे ओवरहेड्स ही इतने थे। वो सब देखे हमारा जो एंड प्रोडक्ट, जो फिनिश्ड गुड था, वो इस प्राइस तक पहुंचता था जहां पे हम मलेशिया, चाइना, अदर मार्केट्स के साथ हम कंपीट नहीं कर पाते। तो हम ज़्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड की जगह एक इम्पोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनते जा रहे थे मैम। कहीं जीएसटी के माध्यम से ओवरहेड्स कम होने से कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो हमारी है वो भी आने वाले दिनों में, मैन्युफैक्चरर्स की कम होने से आने वाले दिनों में जो एंड प्रोडक्ट होगा वो कहीं हम इंटरनेशनली कम्पीट कर सकेंगे, उसके माध्यम से हमारे एक्सपोर्ट्स भी आने वाले दिनों में बढ़ने की बहुत संभावना है मैम। पूरे विश्व में पिछले 8 साल से एक वैश्विक मंदी का वातावरण बना हुआ है, और अगर कहीं पे भी कोई इकोनॉमिक न्यूज़ सुने तो अभी भी थोड़े समय पहले मैंने एक न्यूज़ जो इकोनॉमिक न्यूज़ सुनी कि आफ्टर डीमोनिटाइजेशन एंड लोकल इलेक्शंस, द लोकल कंट्री स्टेट्स इलेक्शंस, इंडिया इज ऑल सेट टू फ्लाई। और ये बात बिल्कुल सच है मैडम कि इंडिया इज ऑल सेट टू फ्लाई अगेन। पूरे विश्व में आज ब्राइटेस्ट स्पॉट अगर निवेश की दृष्टि से कोई दिख रहा है तो भारत दिख रहा है, और निवेशक आज जो हमारी पॉलिसीज हैं, जो हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, हमारी सिंगल विंडो सिस्टम है, हमारी मेक इन इंडिया के माध्यम से जो इंसेंटिव्स हम दे रहे हैं, वो सबको कहीं एक पॉजिटिव आउटलुक पूरे विश्व में मिला है, और ग्लोबली भी आज निवेशक हमारी तरफ, हमारे देश की तरफ देख रहा है। मैम सबसे जो शर्मनाक समय हमारे देश ने देखा वो हमारे खुद के निवेशक 2012-2013 यहाँ तक कि 2014 में बिगिनिंग में कहीं हमारे खुद के, हमारे देश का पैसा विदेश में निवेश होने जा रहा था, क्योंकि हमारे खुद के निवेशक, हमारे खुद के सिटीजन्स सिक्योर नहीं फील कर रहे थे हमारी पॉलिसी से। देर वॉज अ टोटल पॉलिसी पैरालिसिस, देर वॉज अ टोटल जो एक टैक्स टेररिज्म वाला एक वातावरण बना हुआ था, उससे पूरे एक भयभीत लोगों को लग रहा था कि हमारे देश में हमारा पैसा सिक्योर नहीं है। पर उस पूरी बात को चेंज करके आज हर दिशा में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, पूरी सरकार और हमारे वित्त मंत्री जी ने एक सिक्योर वातावरण क्रिएट करने में वो सफल हुए हैं। और जीएसटी मैं मानती हूँ मैम कि आने वाले दिनों में रोजगारी, हम पूरे विश्व में एक भारत की पहले एक जनरल इमेज थी कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, भारत में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, एक ओवरली पॉपुलेटेड देश है जिसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही उसकी अनएम्प्लॉयमेंट है। पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जहाँ जहाँ विदेश में वो किसी भी देश में गए तो उन्होंने पहली बात समग्र विश्व में जो भारत की उजागर की है, उन्होंने हर मंच पे बोला है, हर देश में बोला है कि मेरा देश सबसे धनवान देश है, और वो इसलिए धनवान देश है कि मेरे देश में सबसे ज़्यादा युवा धन है। हमारा देश 65% ऑफ आर पॉपुलेशन इज बिलो 35 ईयर्स। सो कहीं हमारे पास जो संपत्ति है वो विश्व में
किसी और देश के पास नहीं है, और अगर हम इस संपत्ति को अच्छे से चैनलाइज करें, क्योंकि पूरे विश्व में आज भारतीय जहाँ जहाँ गए हैं वो एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी बने हैं या एक सक्सेस स्टोरी का भाग बने हैं। तो कंक्लूड सर, टू मोर मिनट सर। तो जहाँ जहाँ भारतीय गए हैं वहाँ वो एक सक्सेस स्टोरी बने हैं या सक्सेस स्टोरी का भाग बने हैं, तो वही शक्ति अगर यहाँ पे हमारे देश में उनको एक योग्य मंच स्किलिंग के माध्यम से, एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से मिले, तो यही शक्ति इस देश को कहाँ पहुँचाएगी वो आप सोच सकते हो। और वही हमारे प्रधानमंत्री ने समग्र विश्व में ये बात की है, तो उसी दिशा में इस देश को ले जाने के लिए, उसी युवाओं को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले, उसी इसीलिए मेक इन इंडिया हो, विदेश FDI के माध्यम से इस देश में ज़्यादा निवेश आए, और ये स्टार्टअप, स्टैंडअप, डिजिटल इंडिया, इनके साथ युवाओं को स्किलिंग के साथ युवाओं को जोड़ के आगे बढ़ाने का कार्य, समग्र देश को आगे बढ़ाने का कार्य हमारी सरकार हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के नीचे जब कर रही है, तब मैं सर बहुत सारी चीज़ें ये GST के माध्यम से आने वाले दिनों में बदलेगी, पर ज़्यादा डिटेल में ना जाके सर, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट है उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा सर, प्रॉपर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, इनिशियल टीथिंग प्रॉब्लम शायद सारे सर, वन मोर मिनट, इनिशियल टीथिंग प्रॉब्लम सारे शायद सारे राज्यों में आए, पर उसके बाद वंस वी ओवरकम दैट इनिशियल टीथिंग इश्यूज, आई थिंक GST विल बी द बिगेस्ट बूस्ट और द बिगेस्ट रेजिम और चेंज वी वुड हैव एवर सीन और चेरिश्ड, and through which the country would stand to benefit to a great deal in a long run. Sir, in the end, I would, through you, like to congratulate the Honorable Prime Minister and our Honorable Minister Sri Nitin Gadkari ji for reviving a sector which is the most important sector, which is the road and transport sector, sir. Jo ek sick unit tha, aur usko revive karke, kahin aane wale dinon mein, because connectivity is a key to progress, sir. To aaj, 3 saal ke andar hi, jis tarah se ye segment aaj progress kar raha hai, to main unko abhinandit karungi. Sir, in the end, sir, 1 minute, I'm concluding. Sir, concluding. Sir, in the end, I would congratulate our finance minister, our prime minister, and wholeheartedly support the bill. Thank you so much, sir.